नमस्कार, मैं हूं ईशा कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 20। आप सभी का हमारे चैनल न्यूज़ भारत 20 में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आपको रूबरू कराते हैं खबरों की नई दुनिया से। संपूर्ण मानवता कल्याण संघ ने मनाई वर्षगांठ और महिलाओं को किया सम्मानित। आइए आपको बता दें कि संपूर्ण मानवता कल्याण संघ ने अपनी वार्षिक वर्षगांठ दिन रविवार को टाटा सिक्योरिटी क्लब हाउस विष्टुपुर में आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अमरप्रीत सिंह काले और विशिष्ट अतिथि के रूप में राजू गिरी, कांग्रेस नेता विजय खान, जयप्रकाश राय जी, चंदन यादव, प्रिंस सिंह एवं पारसनाथ मिश्रा उपस्थित रहे। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर संजय गिरी ने पूरे वर्ष में किए गए कार्यक्रम को लोगों के बीच बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज के आखिरी व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा का लाभ पहुंचाना है। महासचिव एसआरके कमलेश ने बताया कि संस्था पूरे कोरोना काल में भी समाज सेवा से पीछे नहीं हटी। कार्यक्रम के दौरान शहर के कुल 11 महिलाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर तरुणा मिश्रा, डेंटल सर्जन डॉक्टर दीपा पटनायक, युवा पत्रकार खुशबू कुमारी, वरिष्ठ पत्रकार इंदु पात्रा, सपना यादव, मौसमी दास इत्यादि को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर संजय गिरी, डॉक्टर दीपा पटनायक, एसआरके कमले, विजेंद्र तिवारी इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कोरोना काल में कितने लोगों का आप लोगों ने सहयोग किया, कितने दिनों तक तो काम किया फील्ड में? 7 दिनों तक टोटल, 60 दिनों तक पूरा टोटल काम किया है। किन किन क्षेत्रों में? जैसे कि हम लोग का कच्चा राशन सबसे पहले हम लोगों ने बांटा था, उसके बाद पूरा खाना का जो पैकेट बना के सबको दिया गया है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। मैं ईशा कुमारी, लोकालोक न्यूज़ से।